नमस्कार दोस्तों, एमडी स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने बड़ी खबर आ रही है, भावी पटवारियों अब तैयार हो जाइए, पटवारी बनने के लिए अब कमर कस लीजिए। अधीनस्थ बोर्ड ने घोषित की परीक्षा तिथि, सितंबर माह में आयोजित होगी परीक्षा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा विभिन्न पदों हेतु परीक्षाएं दिनांकवार निम्नानुसार आयोजित की जानी प्रस्तावित है। ये प्रेस नोट आज ही जारी किया है 1 जुलाई 2021 को। इसमें दो भर्ती परीक्षाओं की तिथि घोषित की है। कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2020 12 सितंबर 2021 को परीक्षा तिथि संभावित तिथि है ये। वहीं कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2021 इसकी परीक्षा की संभावित तिथि है 18 सितंबर 2021। नोट, उक्त परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम यथा समय जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, सरकार अब प्रक्रिया दिन सभी भर्ती परीक्षाओं की तिथि जारी कर रही है। हाल ही में राजस्थान पुलिस SI भर्ती परीक्षा, कॉलेज लेक्चरर भर्ती और रीट भर्ती परीक्षा तिथि घोषित कर दी। इनकी परीक्षा भी सितंबर माह में आयोजित हो रही है। SI की परीक्षा सितंबर माह में, कॉलेज लेक्चरर की परीक्षा भी सितंबर माह में और रीट परीक्षा तिथि भी सितंबर माह में है। और इसी तरह राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड ने भी कृषि पर्यवेक्षक और कनिष्ठ अभियंता के परीक्षा तिथि भी सितंबर माह में संभावित तिथि घोषित कर दी है। ऐसे में अब कयास है कि पटवारी भर्ती परीक्षा की तिथि भी जल्दी आने वाली है, संभावित तिथि भी सितंबर माह में आयोजित हो सकती है। दोस्तों, पटवारी भर्ती परीक्षा भी सितंबर माह में आयोजित होने के पूरे पूरे चांसेज है। तो आप अभी से पटवारी की जो भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी हैं, वो अब अपनी तैयारियों पर जोर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए और अपनी कमर कस लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, पास में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आगे आने वाले ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।